दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि शाम को बारिश होगी, और ये देखिए अब हम बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है सुबह का। काश जीवन में हर सुबह इतनी ही खूबसूरत हो तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। परंतु इस आनंद को लेने के लिए साथ में काम करना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये देखिए भाई कितना हमारा नेक काम में लगा हुआ है, और भाई की स्माइल देखिए कितनी प्यारी स्माइल। आज का हमारा लोकल गाइड हिमांशु है, और यही हमें आज लेके जाएगा मधुबनी। मेन ऊपर सड़क से तकरीबन शायद 2 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई है, और उस चढ़ाई को पार करने के बाद हम लोग मधुबनी पहुंचेंगे। मधुबनी एक जगह का नाम है जहाँ पर काफ़ी बड़ा घास का मैदान है। जब हम लोग बचपन में जब हम लोग कभी गांव आया करते थे तो अक्सर हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तब से लेके आज फिर मुझे मौका मिला है उस जगह को देखने का। अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं मधुबनी। साथ में हमने कुछ मैगी के पैकेट्स ले लिए हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली है, और कुछ प्लेट्स भी हम लोग ने साथ में रख लिए। हमारा भाई पहुंच गया। भाई रुक जाओ 5 मिनट। इधर सब कहाँ ऊपर? और ऐसे इस तरह से रास्तों से ले जा रहा हमें, अबे पानी तो भरा ही नहीं तुमने, भर लिया था? और ये रास्ता पूरा जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। अक्सर गांव के लोग इसी रास्ते से जंगलों में जाया करते हैं लकड़ी और घास लेने के लिए। ये हमें गलत रास्ता ले आए हैं, और अब हमें भाई साहब कह रहे हैं हमें इधर नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है। यहाँ ये ऊपर 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 पता नहीं कितना ऊपर। और ये देखिए हमारे हिमांशु भाई हमें टेढ़े मेढ़े गलत रास्तों से ला कर हमें फाइनली यहाँ पर उन्होंने पहुँचा दिया है। और अभी भी यहाँ से कुछ और रास्ता बाकी है ऐसा भाई कह रहे हैं। फाइनली हम लोग जैसे तैसे गलत रास्तों को पार करते हम लोग पहुँच गए हैं मधुबनी।
और ये देखिए इस जगह की सुंदरता, कितना खूबसूरत और कितना बड़ा ये घास का मैदान है। यहाँ आप डे कुकिंग के लिए भी आ सकते हैं, कैंपिंग के लिए आ सकते हैं, और क्रिकेट आप लोग यहाँ पर आके खेल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर दो चार दिन के कैंपिंग भी करना चाहते हैं तो भी आप इस जगह पे आराम से रुक सकते हैं। ये देखिए दोनों भाई कितनी शिद्दत से मैगी बनाने में लगे हुए हैं। आई होप कि बनने के बाद मैगी का टेस्ट भी वैसा ही आए। और इस तरह पहाड़ों में कुकिंग करना या मैगी बनाने का मज़ा कुछ और ही होता है। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप पहाड़ों में कुकिंग करें तो कुकिंग करने के बाद, खाने के बाद, वहाँ पर आपने जो भी चीज़ वहाँ पर फैलाई है कूड़ा, उसको सब आप इकट्ठा करके किसी एक जगह पर डाल दें जहाँ से वो कूड़ा उठाया जाता है। सो, अभी हम लोग मैगी खाने के बाद अब हम वापस डायरेक्ट गांव जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। भाई हमें ले भी गलत रास्ते से गया और उतार भी गलत रास्ते से। रास्ता में दिख रहा है वो नीचे जा रहा है, तेरे लिए यहाँ यहाँ से लैंडस्लाइड हो गई तो यहाँ से गलत लेके आया मैं। दोस्तों सामने इस तरफ पानी की एक छोटी सी टैंकी है। सो कभी आप लोग इधर रात में कैंपिंग के लिए रुकना चाहें तो इधर से आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग जैसे तैसे नीचे रोड पे पहुंच गए हैं और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। इसके तो दोस्तों अभी हमें पता लगा है कि मोदी जी का जो आज संपूर्ण लॉकडाउन था वो अब बढ़कर 31 मार्च तक हो गया है। So, अभी हम लोग सीधा घर जा रहे हैं, वहां से सामान पैक करके हम लोग सीधा अपने घर काशीपुर के लिए निकलेंगे। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।